Assalamualaikum दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सेकेंडरी स्टोरेज के टॉपिक का आगाज किया था। सेकेंडरी स्टोरेज का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। दोस्तों, आज के टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर ऑप्टिकल स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। ये तमाम टॉपिक्स आपकी बुक के अंदर इन पेजेस पर मौजूद हैं। दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की दो टाइप्स होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। जिस तरीके से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले है CD-ROM, CDR, CDRW और DVD-ROM। दोस्तों, CDs का नाम आपने पहले भी सुना होगा। जी हाँ, ये वही CDs हैं जिनके जरिए हम फिल्में और गानों को सुना करते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद थी, तो फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत क्यों पेश आई? किसी भी मेमोरी का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि वो कितनी बड़ी तादाद में डेटा को अपने अंदर महसूस कर सकती है, क्योंकि ऑप्टिकल स्टोरेज में मैग्नेटिक हेड के बजाय लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए छोटी सी जगह पर बड़ी से बड़ी तादाद में डेटा को ये अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी से बड़ी इंसाइक्लोपीडियाज एक 12 सेंटीमीटर की डिस्क के ऊपर महफूज किए जा सकते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में डाटा को अपने अंदर स्टोर करने के साथ साथ ये वीडियोस, इन पर जिन ऑडियोस और वीडियोस को डुप्लीकेटर्स के जरिए डुप्लीकेट किया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और ओरिजिनल की तरह दिखता है। यानी आपने कभी अक्सर वीडियोस, ऑडियोस, फिल्म वगैरह को देखा होगा, क्या आपने कभी उनको ओरिजिनल से अलग पाया? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल आपको जिस तरीके से ओरिजिनल फिल्म होती है बिल्कुल उसी तरीके से दिखती है। तो दोस्तों, ये इन डुप्लीकेटर्स का कमाल होता है। डुप्लीकेटर्स की वजह से ही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की निस्बत बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। दोस्तों, ये लंबे अरसे तक चलती हैं, क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की तरह डस्ट या फिर फिंगरप्रिंट्स की वजह से आपकी ऑप्टिकल डिस्क खराब नहीं हो सकती। दोस्तों, लेकिन इनका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनके ऊपर मौजूद डेटा को रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बनिस्बत मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस किस तरीके से काम करती हैं। अपनी साउंड क्वालिटी की वजह से 1980s में ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस को बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी। दोस्तों, इनमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की तरह डिस्क बहुत सारे ट्रैक्स पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इनमें एक सिंगल ट्रैक मौजूद होता है, जो कि बीच से शुरू होकर आखिरी एज यानी आखिरी कोने तक जाता है। दोस्तों, लेजर बीम जो कि डेटा को रीड करती है, वो इस स्पाइरल को फॉलो नहीं करती, बल्कि सीडी प्लेयर में मौजूद मोटर के जरिए डिस्क को रोटेट करवाया जाता है। दोस्तों, यानी सीडी गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से लेजर डिस्क से आहिस्ता आहिस्ता एजेस यानी किनारों की तरफ मूव करती है। दोस्तों, ये तो हो गए लेजर बीम और डिस्क की मूवमेंट की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि लेजर बीम डिस्क पर मौजूद डेटा को आखिर रीड कैसे करती है। डिस्क बहुत सी लेयर्स से मिलकर बनती है। टॉप लेयर, जिस पर लोगो यानी डिस्क का लेबल प्रिंट हुआ होता है, उसके नीचे एक्रिलिक, उसके नीचे एल्युमिनियम की लेयर, जिस पर असल में डेटा को महफूज किया जाता है, और आखिर में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की लेयर होती है। दोस्तों, डिस्क पर मौजूद एल्युमिनियम की लेयर बिल्कुल सीधी सतह पर मौजूद नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर कुछ बम्स, पिट्स यानी गढ़े मौजूद होते हैं। दोस्तों, वो बाइनरी वन और बाइनरी जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक बम्प, एक गढ़ा बाइनरी जीरो को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी जगह जहां पर ये गढ़ा मौजूद नहीं होता, वो बाइनरी वन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद वीडियोस
ऑडियोज तस्वीरें वंस और जीरोस की शक्ल में कंप्यूटर में इनकोड किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डिस्क पर भी वंस और जीरोस की शक्ल में कोई भी डाटा स्टोर करवाया जा सकता है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि लेजर बीम को कैसे पता चलेगा कि कहाँ बम्प मौजूद है और कहाँ बम्प मौजूद नहीं है। आपका सीडी प्लेयर के अंदर मौजूद हेड रीड हेड में लेजर और सेंसर मौजूद होता है, जिसे आप देख रहे हैं कि ये एक लेजर मौजूद है और ये एक सेंसर मौजूद है। जब लेजर बीम डिस्क पर पड़ती है और अगर वहां बम्प यानी गढ़ा मौजूद नहीं होता, लेजर बीम वापस पलट कर यानी रिफ्लेक्ट होकर सेंसर पर पड़ती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर दिया जाता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको कॉन्फ़िगर आउट करता है कि दिस सिग्नल यानी ये सिग्नल बाइनरी वन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही लेजर बीम ऐसी जगह पर पड़ती है जहां पर कोई भी गढ़ा यानी बम्प मौजूद नहीं होता बल्कि एक सीधी सतह मौजूद होती है, तो लेजर बीम पलट कर डायरेक्ट इस सेंसर पर जाती है, जिसकी वजह से सेंसर को के अंदर जब लेजर पड़ती है तो सेंसर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जो कि बाइनरी वन के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर लेजर बीम बम्प पर पड़ती है यानी गढ़े पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर सेंसर में नहीं जाता। जब वो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जब वो सेंसर में नहीं जाएगा तो सेंसर भी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं करेगा और माइक्रो प्रोसेसर भी कुछ रिसीव नहीं करेगा, जिसको माइक्रो प्रोसेसर ये अज्यूम करेगा कि ये बाइनरी जीरो है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक बम्प पर पड़ी जिसकी वजह से लेजर इस सेंसर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं किया, इस सेंसर की तरफ पलट कर नहीं आया। जब इस सेंसर के अंदर कुछ भी नहीं आया तो इस सेंसर ने भी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं किया, जिसको माइक्रो प्रोसेसर ने ये अज्यूम किया कि ये बाइनरी जीरो है। इस तरीके से लेजर डिस्क पर मौजूद डाटा को रीड करती है, लेकिन यहाँ तक काम पूरा नहीं हुआ बल्कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम पेश आई। दोस्तों उस प्रॉब्लम को हल करना निहायत ही जरूरी था। आइए हम जानते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्क जब घूमती है तो इस जगह पर मौजूद डाटा एजेस यानी किनारों पर मौजूद डाटा की निस्बत हल्की स्पीड में मूव करता है, क्योंकि आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि डिस्क सेंटर से इतनी तेजी से मूव नहीं कर रही जितने के एजेस यानी किनारों से कर रही है। दोस्तों आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि डिस्क रोटेट कर रही है जबकि लेजर बीम सेंटर से डाटा को रीड करते हुए एजेस तक आ रहा है। ये देखें, ये डिस्क रोटेट कर रही है और लेजर यहाँ सेंटर से होता हुआ एजेस यानी किनारों तक आ रहा है। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि लेजर बीम डिस्क पर मौजूद तमाम डाटा को एक ही स्पीड के साथ रीड करे, यानी जिसके लिए जरूरी है कि हमारी डिस्क कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड में मूव करे, यानी हमारी डिस्क यहाँ और यहाँ दोनों तरफ से एक ही स्पीड में मूव करे, ताकि डिस्क जब यहाँ से यहाँ तक लेजर डाटा को रीड करते हुए आए तो वो एक ही स्पीड के साथ डाटा को रीड करे। तो इसीलिए जैसे ही लेजर बीम एजेस पर पड़ती है यानी एजेस की तरफ आ रही होती है, डिस्क सीडी प्लेयर में मौजूद मोटर की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आपकी लेजर बीम एजेस की तरफ आती है तो डिस्क की स्पीड भी स्लो हो जाती है और इस तरीके से लेजर बीम पूरी डिस्क पर एक ही स्पीड के साथ डाटा को रीड करती है। दोस्तों ये था उस प्रॉब्लम का हल। आइए हम जानते हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। सीडी रोम मुखफ्फिफ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का। दोस्तों सबसे पहला जो सीडी रोम आया था वो 553 एमबी की स्टोरेज को, यानी 553 एमबी तक के डाटा को अपने अंदर महफूज कर सकता था, लेकिन अब जितने भी सीडी रोम आ रहे हैं वो 700 से लेकर 900 मेगाबाइट तक के डाटा को अपने अंदर महफूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियोस यानी इसके ऊपर जो भी डाटा होता है वो पहले से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको इसके मैन्युफैक्चरर्स यानी डिस्क के बनाने वाले इस पर इम्प्रिंटेड यानी इसके ऊपर इम्पोज करते हैं, इसके ऊपर स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको रीड ओनली कहा जा सकता है। यानी इसीलिए इस पर से आप डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं,
ना ही इस पर मौजूद डेटा को आप मिटा सकते हैं और ना ही इसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी आप 30,000 टेक्स्ट पर मुश्तमिल पेजेस, 7,500 तस्वीरें और ग्राफिक्स, 20 घंटों से भी ज्यादा की ऑडियो और 70 मिनट से भी ज्यादा की वीडियोस को एक वक्त में आप इसके ऊपर महफूज करा सकते हैं। दोस्तों आजकल जितने भी नए पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आ रहे हैं उसके अंदर सीडी रोम एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट आ गया है, यानी सीडी रोम के बगैर अब आपको कोई भी पीसी, कोई भी लैपटॉप नजर नहीं आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। सबसे पहले जो सीडी रोम ड्राइव आई थी उसकी स्पीड 1x थी, यानी वो सिंगल स्पीड था, लेकिन अब 72x तक की स्पीड के सीडीरोम आ गए हैं जो कि इस स्पीड से बहुत कम स्पीड के अंदर डाटा को रीड करते हैं। यानी अगर ये सिंगल स्पीड 400 मिलीसेकंड्स के अंदर डाटा को रीड करता है तो 72x 30 मिलीसेकंड्स के अंदर आपके उतने ही डाटा को, यानी अगर ये 100 किलोबाइट के डाटा को इतने टाइम में एक्सेस करता है तो 72x उसी ही डाटा को 30 मिली सेकंड्स के अंदर उस डाटा को रीड कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब कितने तेज और ताकतवर सीडीरोम्स आ गए हैं। इसके बाद है CDR। CDR मुखफ्फ है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल का। दोस्तों ये खाली सीडीज होती हैं जिन पर आप अपनी मर्जी के डाटा को रिकॉर्ड करा सकते हैं सीडी बर्नर के जरिए, इसीलिए इनके लिए रिकॉर्डेबल के वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एक बार जो आपने सीडीआर के ऊपर डाटा को बर्न कर दिया, डाटा को स्टोर कर दिया, उसके बाद ना ही आप उस डाटा के अंदर कोई तब्दीली कर सकते हैं और ना ही आप उस डाटा को मिटा सकते हैं, बिल्कुल हार्ड ड्राइव की तरह। दोस्तों इसको आमतौर पर बैंक में रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर आप बहुत बड़ी तादाद में डाटा को स्टोर कर सकते हैं जिसकी तादाद 650 MB से लेकर 5 GB तक की है। इसके बाद है CDRW। दोस्तों CDRW का मुखफ्फ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसके नाम से पता लग रहा है कि इसके ऊपर आप बार बार डाटा को रीराइट कर सकते हैं, डाटा को डाल सकते हैं, डाटा को मिटा सकते हैं और बार बार अपनी मर्जी के डाटा को इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसको भी बड़ी तादाद में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों CD-ROM, CDR और CDRW में मेन डिफरेंस ये है कि CD-ROM के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स डाटा को स्टोर करते हैं और उस डाटा को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, जैसे कि हम फिल्म वगैरह को देखते थे जो कि पहले से रिकॉर्डेड आती थी। CDR जो कि खाली डिस्क होती है जिन पर एक बार आप अपनी मर्जी के डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एक बार स्टोर करने के बाद वो डाटा परमानेंट होता है, साकेत हो जाता है, उसके बाद वो डाटा रिमूव नहीं हो सकता। इसके बाद आई CDRW। CDRW बहुत ही बेहतरीन होती है, इनके ऊपर आप बार बार डाटा को डाल सकते हैं और बार बार उस डाटा को मिटा कर नए डाटा को उसके ऊपर दोबारा रीराइट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है DVD-ROM। DVD-ROM मुखफ्फ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसको स्टार्ट में सिर्फ मूवीज को, यानी 3 घंटे की मूवीज को इस पर स्टोर करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए स्टार्ट में यानी आगाज में इसका एक्रोनियम था, मुखफ्फ था डिजिटल वीडियो डिस्क। लेकिन बाद में इसके बनाने वालों को इस बात का अंदाजा हुआ कि इसके ऊपर सिर्फ वीडियोस को नहीं स्टोर किया जा सकता बल्कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फोटोज और दूसरी चीजों को भी इसके ऊपर महफूज किया जा सकता है, इसीलिए बाद में इसका मुखफ्फ बन गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोस्तों इसके ऊपर आप 4.38 GB तक के डाटा को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इस पर सिर्फ 650 MB तक के डाटा को महफूज किया जाता है। दोस्तों CD-ROM की तरह DVD-ROM की लेंथ भी 5 इंच इसका डायमीटर होता है, जबकि 1.2 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। लेकिन दोस्तों ये CD-ROM की निस्बत बहुत बड़ी तादाद में डाटा को अपने अंदर महफूज कर सकती है, यानी ये CD-ROM की निस्बत 7 गुना ज्यादा डाटा को अपने अंदर महफूज कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर मौजूद गड़े
पिट्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी लेजर की वेवलेंथ भी छोटी होती है। इसी वजह से इसकी डिस्क की कैपेसिटी, इसकी डिस्क को अपने पर डाटा को महफूज करने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों इस पर महफूज डाटा परमानेंट होता है, यानी आप उस डाटा को ना ही तब्दील कर सकते हैं और ना ही उस पर मजीद डाटा को डाल सकते हैं और ना ही उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आमतौर पर डीवीडी रोम पर डीवीडीज के अंदर मौजूद डाटा को रीड करने के लिए डीवीडी ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी सेकेंडरी स्टोरेज की दूसरी टाइप, ऑप्टिकल स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अगले लेक्चर्स के अंदर हम सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।